नमस्कार, मैं इंदु राठौड़ आज आपको राजस्थान का मौसम का जो अपडेट है वो देना चाहूंगी कि राजस्थान का मौसम इस वक्त क्या कहता है, क्योंकि 2022 में राजस्थान में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। राजस्थान के जो कई जिले हैं वहां बाढ़ जैसी स्थिति भी बनती है, और अभी राजस्थान में कोटा संभाग में बहुत ज्यादा बारिश है और मौसम विभाग ने वहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहां पर भी अभी बाढ़ की जैसी स्थिति बन चुकी है और पिछले 24 घंटे से राजस्थान में भारी बारिश हो रही है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो मध्य प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर है वो पिछले 24 घंटे से जारी है, और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तक, यानी कि अभी से आने वाले 2 दिन तक ये बारिश यूं ही रहेगी। इसी के साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। यहाँ पर कई जगह तो भारी बारिश हुई और कई जगह धीमी हल्की बारिश हुई। इसी को लेकर राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी की निकासी के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, और जो सड़कें हैं वो नदियां बन चुकी हैं। कोटा संभाग की अगर हम बात करें तो कोटा संभाग में बहुत ज़्यादा बारिश पिछले 24 घंटे में हुई, और वहां पर स्कूली बच्चों की छुट्टी भी कर दी गई है क्योंकि सड़कों पर पानी है। इसी के साथ अगर झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में भी 234 mm बारिश हुई, जो बहुत ज़्यादा है। इसी को लेकर वहाँ के कई बांध हैं और वहाँ की जो सड़कें हैं वो भी पानी से बहुत ज़्यादा भर गए हैं। इसको लेकर वहाँ का प्रशासन भी इस वक्त अलर्ट है। तो देखिए, राजस्थान में जो बारिश है वो सावन महीने के बाद भी लगातार जारी है, और अभी भादो महीना चल चुका है और ऐसा कहा जाता है कि सावन में ही सिर्फ बारिश ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन इस बार जो राजस्थान की तस्वीर है वो बिल्कुल अलग है। और अभी आप जयपुर का मौसम देखिए, यहाँ पर भी अभी बारिश हुई थी तो जो यहाँ की सड़कें हैं, यहाँ के घर हैं वो अभी भी गीले हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे से जयपुर में भी झमाझम बारिश हुई, भारी बारिश जयपुर के अंदर देखने को मिली, और अभी भी मौसम यहाँ का साफ नहीं है, जिससे कहा जा सकता है कि जिस अनुसार मौसम विभाग ने पिछले दो दिनों के लिए बारिश का अलर्ट दिया है कि आगामी 2 दिन में राजस्थान के अंदर भारी बारिश हो सकती है, वो कहीं ना कहीं जयपुर में भी देखी जा सकती है, क्योंकि अभी भी जयपुर का जो मौसम है वो यही कह रहा है कि जयपुर में भी बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसम अभी बिल्कुल भी साफ नहीं है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो राजस्थान का मौसम है उसका आंकड़े क्या कहते हैं। तो देखिए, कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की जा रही है। कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा बारिश झालावाड़ के डग में 10 इंच दर्ज की जा चुकी है। डग कस्बे में रविवार रात से ही मूसलाधार बरसात का जो दौर है वो जारी है। बारिश के चलते नाले उफान पर है, जिससे आसपास के गाँव में आने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, और जो मार्ग है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी लोगों को ना हो। झालावाड़ के रायपुर काली सिंध नदी के उफान से काली सिंध नदी के मॉल के खेत जलमग्न हो गए हैं। इसी के साथ रायपुर रघुनाथपुरा गांव को जोड़ने वाली पुलिया भी डूब चुकी है, जिससे जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो चुका है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये तो हमने आपको कोटा की पूरी जानकारी दी कि कोटा का मौसम जो है वो इस वक्त क्या कहता है, लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे राजस्थान में, जिसे हम सूखा प्रदेश कहते हैं, जहाँ पर लोग पानी के लिए तरसते हैं, हमेशा यही तस्वीर होती है कि लोग पानी के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, और राजस्थान के कई ज़िले तो ऐसे हैं जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान देखने को मिलता है, और वहाँ की जो जनता है वो सावन महीने का इसलिए इंतज़ार करती है ताकि सावन महीने में पानी हो और उस पानी से ही जो उनका जीवन है वो चलता है। लेकिन इस बार राजस्थान की जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग है, और अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर इस वक्त बाढ़ के हालात हैं। तो देखिए, झालावाड़ जिले के सुनील क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। यहाँ करीब 2 दर्जन मकानों में पानी घुस गया। तो देखिए, 2 दर्जन ऐसे मकान है, 2 दर्जन से ज्यादा मकान ऐसे हैं जहाँ पर पानी घुस गया घरों में, और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अलर्ट सख्ती दिखाते हुए, इसी के साथ पुलिस प्रशासन ने वहां पर लोगों को अलर्ट कर दिया है कि आप अपने घर वहां से खाली कर दीजिए ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई भी ऐसी जनहानि वहां देखने को ना मिले। इसी के साथ झालावाड़ जिले के कई ऐसे बांध हैं जिनके गेट खोल दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की निकासी को शुरू करना बेहद ही ज़रूरी था, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर गया था, जल भराव बहुत ज़्यादा हो गया बारिश के बाद।
इसी के साथ भारी बारिश के बाद चंबल नदी इस वक्त उफान पर है। कोटा बैराज के 13 गेट खोलकर 2,62,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। तो देखिए कोटा बैराज के 13 गेट इस वक्त खोल दिए गए, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या हालात है कोटा की, क्योंकि कोटा में बेहद ही अभी जो स्थिति है वो बहुत अलग है। बारिश लगातार वहाँ हो रही है और अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के अनुसार 22 अगस्त यानी कि आज बारिश होगी। इसी के साथ बारिश के साथ साथ जो अगले दो दिन है तब भी भारी बारिश होगी राजस्थान में। और इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि राजस्थान के कई ऐसे ज़िले हैं, खासकर जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है और अभी भी वहाँ पे पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। लेकिन ये बारिश का जो दौर है वो पूर्वी राजस्थान से धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की ओर आएगा और पश्चिमी राजस्थान के कई ज़िलों में जो स्थिति अभी पूर्वी राजस्थान की है वही स्थिति हमें दो दिन के बाद यानी और इन दो दिन के बीच में भी ऐसा हो सकता है कि वही स्थिति यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हमें पश्चिमी राजस्थान में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने यही कहा है कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ से बरसात आ रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश से बरसात आते हुए पूर्वी राजस्थान में उसकी एंट्री हो चुकी है। कम दबाव वाले क्षेत्र में जैसे कि कोटा संभाग में भारी बारिश हो रही है, झालावाड़ में बेहद ही ज़्यादा, और जो कोटा संभाग का पूरा एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कोटा बूंदी टोंक ये जो ज़िले हैं यहाँ पर बहुत तेज बारिश है। लेकिन जब बारिश पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान की तरह शिफ्ट करेगी और जब पश्चिमी राजस्थान में पहुंचेगी तो पश्चिमी राजस्थान के भी हालात कुछ ऐसे ही हो सकते हैं। इसीलिए मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी कर दिया है और प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड में आ गया है ताकि बाढ़ से अगर बाढ़ जैसी स्थिति भी बनती है तो लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए द अफेक्ट इंडिया। नमस्कार।